नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार। इस वक्त जैसा कि देख रहे हैं मेरे हाथ में छोटे बच्चों का हेलमेट है। ये बच्चों को क्यों है? क्योंकि 2019 में हमने एक कानून पास करवाया था 4 साल के बच्चों को। लेकिन कानून आपको पता है कि पास हो गया है, भारत सरकार ने भी उसको नोटिफिकेशन इसी दे दिया, लेकिन सड़कों पर आज भी बहुत सारे ऐसे माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो अनजान हैं कि ताकि छोटे बच्चों को मेरी हेलमेट क्यों आखिर जरूरत है। ये बच्चे अगर आप बहुत ऐसे स्कूलों के पास देखते होंगे जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भूल उनसे होती है कि वो खुद भी बिना हेलमेट जाते हैं। लेकिन आज बच्चों को अगर बचपन से अगर आप हेलमेट दे दीजिएगा तो शायद वो एक पेरेंट्स के लिए भी एक टीचर बनकर के भूमिका देंगे, अपने पिता को भी सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति ये कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे ताकि वो भी नियमों का पालन करें। इस वक्त आप जो देख रहे हैं, जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे अगल बगल लोग गुलदस्ते लेके खड़े हैं। ये ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कि यमुना प्राधिकरण है उसके सामने में ही ओमेगा सेक्टर में आता है। यहाँ पर एक टूल एक्सिस होती है, दुकान चलाते हैं। इन्होंने एक हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है, जैसा कि पीछे बैनर पे भी लिखा है कि किसी भी चार साल के बच्चे से जो आपका ऊपर है, अगर आप अपने बच्चे को अगर हेलमेट अगर दे चुके हैं तो अगर आप उस दुकान पर आते हैं खुद हेलमेट पहनकर बच्चों के साथ, तो आपको अगर मैरिज एनिवर्सरी का अगर दिन अगर आप अपने घर के लिए फूल लेकर के जा रहे हैं गुलदस्ता, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। आज उसी चीज़ का जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो उनके साथ सहयोग से इस मिशन की शुरुआत हुई है, और इस मिशन की शुरुआत खुद आनंद वर्धमान सर ने खुद सहयोग करके जिसे किया हुआ है, ताकि ये संदेश गौतम बुद्ध नगर के हर घर के चिराग को एक रोशनी मिल सके, ताकि भविष्य में होने वाली जो दुर्घटनाओं से जो अभी माता पिता अनजान है वो अपने बच्चों को हेलमेट पहनाने की एक दौड़ शुरुआत करें। क्योंकि आने वाले हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है सड़क दुर्घटना, और ये छोटे छोटे गलतियों का नज़रअंदाज करने की वजह से आज हम विश्व में नंबर हो चुके हैं मौत के आंकड़ों में। इसी मौत के आंकड़े को संदेश कम करने के लिए जो कि पीछे पहल हमने शुरुआत किया हुआ है, और आपको पता है कि भारत के 22 राज्यों में घूम होकर अभी तक 56,000 हेलमेट बांट चुका हूँ। आप सुन रहे हैं 56,000, आप मुझे गूगल भी कर सकते हैं। और उसी मिशन के तहत आज ऐसे भी जो भाई हैं सिंधिया की तरह, ये कहीं ना कहीं एक मिशन को ये दोनों भाई लोग एक आगे एक आयाम दे रहे हैं, एक मजबूती दे रहे हैं, ताकि छोटे बच्चों को हेलमेट पहुंचाने का हर माता पिता प्रयास करें। अगर ये हमारा संदेश आप तक सही लगे तो आप जरूर एक दूसरे को शेयर करें। ये शेयर आपके खुद के लिए नहीं होगा, भारत की मजबूती के लिए होगा, ताकि आने वाले समय हमारा देश लंगड़ा ना बने, कहीं उसकी जो आप हो उसकी बैसाखी की जरूरत न पड़े, ताकि देखिए राघवेंद्र जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है, हेलमेट का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, और छोटे बच्चों को भी जो टू व्हीलर्स पे ट्रैवल करते हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं इनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हेलमेट अवश्य लगाएं, ये आप ही की सुरक्षा के लिए है और सड़क सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।